गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल में डेली बेसिस, मंथली बेसिस और वीकली बेसिस, इन तीन लेवल पर झारखंड के करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जिस टॉपिक पर भी लेक्चर उपलब्ध कराया जाता है उसके लिए PDF भी दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश को आप ज्वाइन कर लें, जहाँ आप इन सभी का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए कि उसे क्वेश्चंस के माध्यम से आप उसे प्रैक्टिस कर लें। और यही कारण है कि जिस टॉपिक पर भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए क्विज सेशन भी टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और 23 अगस्त के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, 4-5 वीडियो से मैं अब पॉइंट वाइज करंट अफेयर को नहीं दे रहा हूँ, इसे क्वेश्चन बनाकर ही उपलब्ध कर रहा हूँ। लेकिन एक्सप्लेनेशन में, चूँकि क्वेश्चन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, लेकिन हमें ज़्यादा जानना चाहिए, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में इस तरह से लिखा होता है कि आप क्वेश्चन के अलावे और भी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कौन कौन से ज़िले के अभ्रक के खदानों की नीलामी की जाएगी? कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। तो यहाँ पर गिरिडीह और कोडरमा, इन दो डिस्ट्रिक्ट के अभ्रक के खदानों की नीलामी की जाएगी। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं इसे। देखिए, अभ्रक के 4 खदानों की नीलामी की जाएगी। अभ्रक की 4 खदानें नई हैं, इनमें पहले कभी खनन नहीं हुआ है। इनमें से 2 गिरिडीह जिले की तीसरी और धनवार में हैं, बाकी 2 कोडरमा जिले के टोमचांच और मरगच्चों में हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभ्रक का उपयोग क्या होता है। बिजली का ये कुचालक माना जाता है, ओके, इंसुलेटर जिसे आप कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट नहीं कर पाता है, फ्लो नहीं कर पाता है। बिजली का कुचालक होने के कारण बिजली से संबंधित उपकरणों के अलावा टेलीफोन और वाहन उद्योग से संबंधित उपकरणों के निर्माण में भी अभ्रक का उपयोग होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खिड़कियों में सजावटी सामान के अलावा रंग अबीर में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में अभ्रक को जलाकर भस्म बनाने की विधि है। कफ, वात और पीत तीनों तरह के रोगों के निदान में भी इसका भस्म होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन है वो कितना वास्ट है। झारखंड के हजारीबाग जिले की सीमा से सटे बिहार में अभ्रक की पट्टी है। और अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है झारखंड के अलावा? एक तो झारखंड में पाया जाता है, झारखंड के अलावा अभ्रक के खान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कृष्णा, पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, खम्मम, अनंतपुर और नेलोर जिलों में फैले हैं। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर और भरतपुर जिलों में भी अभ्रक निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से झारखंड के किन शिक्षकों को शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? निरुपमा कुमारी, सुमित कुमार सोनी, इसिता डे, उपर्युक्त सभी। तो झारखंड के 3 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा, और वे कौन कौन हैं? बोकारो के चास स्थित राम रुद्र +2 हाई स्कूल की शिक्षिका निरुपमा कुमारी, सिमडेगा के बानो स्थित सरकारी मिडिल स्कूल के प्रभारी सुमित कुमार सोनी, और जमशेदपुर के तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इसिदा डे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। मतलब कि ये सारे ऑप्शंस सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ओके, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस के अवसर पर इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। निरुपमा कुमारी और समित कुमार सोनी को सरकारी स्कूल के कोटे से और इसिदा डे काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कोटे में इस पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है।
निरुपमा कुमारी बोकारो के चास स्थित रामरुद्र प्लस टू हाई स्कूल में कार्यरत हैं। निरुपमा कुमारी लैंग्वेज लर्निंग पर विशेष रूप से काम कर रही हैं। अमित कुमार सोनी सिमडेगा के बानो स्थित सरकारी मिडिल स्कूल के प्रभारी हैं। लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने पर भी उन्होंने समाज को शिक्षा के लिए जागरूक किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार, राजीव सिंह, राजीव शर्मा, राजीव कुमार सिंह। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर से पहले आप मुझे एक आंसर का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अभी जो नए नियुक्त किए गए हैं उनके पहले कौन देश भारत के चुनाव आयुक्त थे? ओके, राजीव कुमार, राजीव सिंह, राजीव शर्मा, राजीव कुमार सिंह, इनमें से नए कौन हैं जो कि चुनाव आयुक्त के लिए नियुक्त किए गए हैं? तो झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी राजीव कुमार देश के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण की तिथि से उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। भारत माला परियोजना के तहत झारखंड में कितने किलोमीटर की दो सड़कों का निर्माण कराया जाएगा? 450, 452, 454 या 456? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, यहाँ पर इसका आंसर है 452 किलोमीटर। भारत माला परियोजना के तहत झारखंड में 452 किलोमीटर के दो सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं कभी कभी जब बाहर जाता हूँ टहलने के लिए तो उसी समय रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, समय की कमी के कारण। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसके कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो भारत माला परियोजना के तहत झारखंड में 452 किलोमीटर के दो सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। ये सड़कें आर्थिक गलियारा होंगी और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के 11 वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी उद्यान को शामिल करते हुए झारखंड में कुल कितने इको सेंसिटिव जोन घोषित किए गए हैं? 11, 10, 13 या फिर 9? तो झारखंड के 11 वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी उद्यान को शामिल करते हुए झारखंड में कुल 9 इको सेंसिटिव जोन घोषित किए गए हैं। और ये जोन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग 121 वर्ग किलोमीटर फैले इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य सीमा से शून्य से 5 किलोमीटर की परिधि को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। वह यह जो है लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य चतरा 211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, इसका सीमा से 1.80 मतलब कि लगभग 1.25 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग 186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 900 मीटर से 5 किलोमीटर तक के एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पलामू वन्य जीव अभयारण्य बेतला राष्ट्रीय उद्यान और महुआटाड़ भेड़िया अभयारण्य 1043 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इस क्षेत्र के शून्य से लेकर 7 किलोमीटर परिधि को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य गिरिडीह और तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य धनबाद यह 62.15 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, शून्य से लेकर 25 किलोमीटर तक के परिधि को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य साहेबगंज 0.2 किलोमीटर से लेकर इससे है से लेकर 2 किलोमीटर तक के परिधि को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य गुमला सिमडेगा 183.18 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, 350 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक के परिधि को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य इसे मई 2012 से ही इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखिए यहाँ पर मैं अगर चाहता तो इन 11 वन्य जीव अभयारण्य का नाम स्किप कर सकता था, वीडियो का लेंथ भी कम रहता, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है, हमारी हमारे टीम की ये कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके
आपको डिटेल में वीडियो और पीडीएफ दिया जाए, ताकि जब आप इसे फ्यूचर में देखेंगे या फिर पढ़ेंगे तो आप तो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होंगे, जब दोबारा आप इसे देखेंगे तो इन सब चीज़ों को आसानी से याद कर लेंगे, और चूंकि ये डिटेल में होगा तो बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी। ओके, और जैसा कि हर वीडियो लेक्चर में होता है, आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, इस बार भी किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था, झारखंड से किन्हें ब्रिटेन के अवार्ड डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, नीरज कुमार, चंपा कुमारी, शमी मुर्मू या फिर नीरज मुर्मू? तो इसका आंसर क्या है? नीरज मुर्मू। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नामक लघु कथा के लेखिका कौन है? कृतिका कुमारी, नीलोत्पल मृणाल, महुआ मांझी या फिर कृतिका पांडे? ओके, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं, और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें, जो कुछ भी अभी आपने पढ़ा इसे एक बार फिर से क्वेश्चन के माध्यम से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, जो कि टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। हर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद हर शाम को टेलीग्राम में क्विज ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, आप चैनल के साथ साथ टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़ जाएं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जेसएससी जेपीसी के अगर आप एस्पायरेंट हैं तब तो ये चैनल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ झारखंड के लिए करंट अफेयर ही नहीं, झारखंड का जो पोर्शन है, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो या फिर झारखंड के बाहर का भी जो सिलेबस है, मतलब कि जो सेंट्रल लेवल का सिलेबस है, उसे भी इसमें कवर किया जाता है, मेनली झारखंड पे ही फोकस किया जाता है, तो आप इससे ज़रूर जुड़ जाएं। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।